है साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग आए हैं राउरकेला सेक्टर का एक नंबर में आए हैं। यहाँ में दुर्गा पूजा पंडाल का तैयारी कैसे चल रहा है साथियों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साथियों, कहा जाता है दुर्गा पूजा पंडाल एक नंबर सेक्टर का काफ़ी अच्छा बजट में बनाया जाता है साथियों। जो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है एक नंबर सेक्टर में, वो उसका जो मॉडल है साथियों, राष्ट्रपति भवन का मॉडल में बनाया जा रहा है। तो चलिए साथियों, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो साथियों, ये है राउरकेला एक नंबर सेक्टर का दुर्गा पूजा पंडाल। साथियों, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको, जो इसमें साथियों कुछ इस एक नंबर दुर्गा पूजा पंडाल को साथियों 25 लाख का बजट में बनाया जा रहा है, जो इसका आपका पंडाल का ही खर्च है साथियों 15 लाख रुपया, बाकी सब टोटल खर्च मिला के 25 लाख रुपया का बजट में बनाया जा रहा है एक नंबर सेक्टर दुर्गा पूजा पंडाल को साथियों। ऊपर का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं साथियों, अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तैयार होने के बाद और अच्छा लगेगा। यहीं से साथियों हेलोजन सब लगाया गया है, जो दुर्गा पूजा पंडाल को रोशनी से जगमग किया जा सके। अंदर का नज़ारा देखने का हम कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये है एंट्री गेट आपका, जो ये जो आप लेफ्ट वाला जो एंट्री गेट देख रहे हैं, ये वाला लेडीज़ का रहेगा, और राइट में जो आप देख रहे हैं, जो भाई साहब जा रहे हैं, जेंट्स का एंट्री गेट रहेगा। चलिए साथियों, अंदर चलते हैं, अंदर जाके हम लोग देखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है साथियों, काफ़ी अच्छा सजाया गया है, अभी में इतना अच्छा लग रहा है, ये जब तैयार हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा लगेगा। डिजाइन जो इसका है साथियों, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ऊपर का डिजाइन साथियों आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, जब इसमें लाइट लग जाएगा तो और अच्छा लगेगा पंडाल में रोशनी में, चार चंद लग जाएगा। डिजाइन साथियों काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। ये है साथियों, इधर माता जी इधर विराजमान होगी। ये है साथियों, पंडाल को डिजाइन किया जा रहा है इसी से, जब ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ साथियों। काफ़ी अच्छा दिख रहा है साथियों, अभी उतना डिजाइन कपड़ा नहीं लगाए हैं। जब लाइट लग जाएगा साथियों इसमें तो और अच्छा लगेगा। सो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया गया है साथियों, जो तैयारी चल रहा है। डिजाइन साथियों देखने लायक है, डिजाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है साथियों, जो राउरकेला का शर्मा डेकोरेटर बना रहे हैं इसको, जो उसका जितना भी कारीगर है इस पंडाल को तैयार करने में, सब
कलकत्ता से बुलाए गए हैं स्पेशल दुर्गा पूजा के लिए। तो साथियों, जो मूर्तिकार है, जो माता दुर्गा का मूर्ति बना रहे हैं, वो दो नंबर सेक्टर का बापी बिंधाणी है, जो काफ़ी मशहूर मूर्तिकार हैं। वही माता जी दुर्गा माँ को तैयार कर रहे हैं। ये जो रोड देख रहे हैं साथियों, इसमें सब लाइट इसमें फिट किया जा रहा है। पूरा रोड में लाइट जलता रहेगा जब दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इधर से आप, मैं रोड किनारे से आपको पंडाल दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है साथियों। जहाँ मैं माता जी विराजेंगे उसका राइट साइड बाहर का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं साथियों। पंडाल का पीछे तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। लेफ्ट साइड में साथियों, बाहर से काफ़ी अच्छा इसको कवर कर दिया गया है ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। चलिए साथियों, जो कमेटी का अध्यक्ष है, हम लोग उससे कुछ बात करने का कोशिश करते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल का कमेटी के अध्यक्ष है, हम लोग उससे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा साल से ये दुर्गा पूजा यहाँ जो शुरू हुआ है, इसके बाद कहा जाता है साथियों, जो आगे में आप देख रहे हैं, तो पहले दुर्गा पूजा का पंडाल वहीं स्थान में किया जा रहा था, जो अभी वहीं से ला के माता जी यहीं विराजेंगे। इसके बाद साथियों, चलिए हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं हमारे जो एक नंबर सेक्टर के दुर्गा पूजा पंडाल के जो कमेटी के अध्यक्ष है, हम लोग उससे कुछ सवाल करेंगे, कुछ जानने का कोशिश करेंगे आखिर कब से ये पूजा शुरू हुआ है और कितना बजट में बना रहे हैं और क्या क्या कुछ खेल सब भी आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। वही 1964 के आसपास से यहाँ पूजा, माँ का पूजा हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आप ये बताइए, जो पंडाल बन रहा है तो कितना बजट में बना रहे है, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये 2022 का मंडप जो पंडाल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं इस साल, डेकोरेशन बना रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस बना रहे हैं। तो प्रेसिडेंट हाउस इसीलिए बना रहे हैं कि उड़ीसा से एक जो महिला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हम लोग का जो उड़ीसा के लिए एक तोहफा हम दे रहे हैं ये डेकोरेशन बना के, प्रेसिडेंट हाउस। इसका बजट है 15 लाख और टोटल पूजा का जो बजट है 25 लाख के आसपास। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो आपके पास आया हुआ है, देखिए यहाँ पे पूजा में बहुत सारे भक्त आएंगे, उनको देखते हुए यहाँ पे मीना बाजार आएगा और झूला भी आएगा, 4-5 तो झूला आएगा, जैसे आप बोलते हैं ना राम जोली और ब्रेक डांस, टोरा टोरा और ड्रैगन और एक तो भूत बंगला आने का हम सुन रहे हैं, और छोटा मोटा बच्चों के लिए जो मिकी माउस, ये सब हर तरह का आप लोग आएंगे तो यहाँ पे एंजॉय करेंगे। माँ का दर्शन के साथ साथ ये सब एक्टिविटी भी है, इवेंट्स है। तो साथियों, हम लोग राउरकेला एक नंबर सेक्टर का दुर्गा पूजा का जो पंडाल है, मैं आपको दिखाने का कोशिश किया साथियों। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए साथियों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों, आपका भाई एस के दास को सपोर्ट कीजिए साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।